हेलो शॉपर्स, वेलकम टू टेक शॉपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट अमेज़न पे जो भी सेल्स प्रेजेंटली चल रही हैं या फिर आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेंगी, उनमें आपको किस में शॉपिंग करनी चाहिए किस में नहीं, सबको जो है डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्लिपकार्ट अमेज़न की लेटेस्ट सेल अपडेट्स होंगी जो कि अप्रैल 2024 में होंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, जो भी सेल रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या किसी प्रोडक्ट को लेके या रिटर्न में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में, उस प्रॉब्लम को डिटेल में लिखो, हम जो है नेक्स्ट क्यू एंड में उस प्रॉब्लम को ज़रूर से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर से करें। देखो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स जो है ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे भी चल रही है, अमेज़ॉन पे भी चल रही है, बट आपके लिए सारी ही सेल्स अच्छी नहीं है। इनमें से बहुत सारी सेल्स ऐसी है जो कि सिर्फ नाम की सेल्स हैं, एंड बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको बढ़िया देखने को मिलेंगी, उसके बारे में भी डिटेल में हम जो है चर्चा ज़रूर से करेंगे। फर्स्ट सेल की बात कर लेते हैं जो कि आपको फ्लिपकार्ट देखने को मिलती है, नाम है इसका पिक बजट डेज। तो देखो 1 से लेकर 7 अप्रैल तक ये चलने वाली थी। यहाँ पे देखो अगर बहुत सारे ऐसा बोला गया इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको सस्ते में देखने को मिल जाएंगे, फैशन आइटम, ग्रोसरी, फर्नीचर, बट इन रियलिटी आपको जो है ठीक ठाक से प्राइस में, मैंने पर्सनली इस सेल को अच्छे से चेक किया है, अगर आप यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह शॉपिंग वगैरह मतलब ऐसे फैशन आइटम्स वगैरह लेना चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट है, बट अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रॉनिक्स पे, स्मार्टफोन्स पे, वहाँ पे आपको बहुत कम डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों पे डिस्काउंट है ही नहीं है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी सेल्स जो है अमेज़ॉन भी दे रहा है। अमेज़ॉन पे देखो आजकल ऐसा है कि करंटली लगातार ही आपको कोई ना कोई कार्ड ऑफर देखने को मिल ही जाते हैं, स्मार्टफोन्स लगातार आपको ऑफर्स में देखने को मिलते हैं, हालांकि नॉर्मल रेट ही होता है, सिर्फ कार्ड ऑफर आपको देखने को मिलता है। अमेज़ॉन की ये सेल है सुपर वैल्यू डेज, तो ये आती है मतलब 1 से लेकर 7 तक हर महीने, बट हर महीने पिछले कुछ महीनों से नहीं भी आ रही थी, बट इस बार जो है अमेज़ॉन ने दी है। इसमें आप अपना राशन वगैरह घर का या फिर कोई भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो कि मंथ में आपको पूरे महीने जो है यूज़ में आने वाली हैं, वो आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि एक तो ये घर पे आपको पहुँचा देंगे, दूसरी चीज़ है आपको जो है कार्ड ऑफर देखने को मिल जाएगा, तीसरी चीज़ है यहाँ पे आपको जो है प्राइस कट भी देखने को मिलता है, यानी MRP अगर 50 है हो सकता है कि आपको वो 45 के देखने को मिल जाए, उस पर अगेन अगर आपका कार्ड ऑफर लगता है तो वो हो सकता है कि 35 से 40 रुपये की देखने को मिले अगर, बट यहाँ पे एक कंडीशन भी है, आपका जो राशन है, जो भी आपके ग्रोसरीज है वो 800 से ऊपर होने चाहिए, तब आपको जो है डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट कुछ चीज़ें फ्री में भी देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात कर ले शाओमी के, अगर आप फ़ैन हो या फिर शाओमी का कोई फ़ोन चला रहे हो और अपग्रेड करना चाहते हो शाओमी के फ़ोन के साथ ही, तो ये सेल आपके लिए है शाओमी फ़ैन फेस्ट सेल, तो फैन फेस्टिवल ऐसे कुछ नाम है इसका, 6 से लेकर 12 अप्रैल तक चलेगी। और यहाँ पे आप क्या है आपको कार्ड ऑफर वगैरह देखने को मिल रहा है। शाओमी के फ़ोन्स देखो यूजुअली अब हाइपर OS पे जो है अपडेट किए गए हैं, हालांकि इतना ज़्यादा अच्छा OS नहीं है अभी भी, बट स्टिल आप ये कह सकते हो कि थोड़ा स्टेबल परफॉर्म कर रहा है। वही अगर हम बात कर ले अच्छे फ़ोन्स के बारे में, तो देखो इस कैटेगरी में 20,000 के रेंज में आपको OnePlus के फ़ोन भी देखने को मिलने लग पड़े हैं, सैमसंग के फ़ोन देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं शाओमी से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, तो आप अपना डिसीजन देख सकते हो। नेक्स्ट सेल की बात कर लेते हैं, ये है होम शॉपिंग स्पेरी, कुछ ऐसी सेल का नाम है, 4 से लेकर 7 अप्रैल तक ये चलेगी, एंड मिनिमम आपको 40% मतलब ये फर्नीचर वाली सेल है, यानी फर्नीचर, मैट्रेस या फिर कुछ भी आपके घर का जो है आपको फर्नीचर वगैरह लेना है, आपको बेड लेना है, सोफ़ा लेना है, कुछ भी ऐसी कैटेगरी का सामान लेना है, तो ये सेल में एक बार आप जाकर चेकआउट करें। यहाँ पर आपको जो है कार्ड ऑफर भी देखने को मिल रहा है, ICICI बैंक हो गया, चाहे SBI के कार्ड पे हो गया, आपको थोड़े से डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, अगर आपके पास वो कार्ड्स है तो आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए जो अमेज़ॉन है वो ठीक ठाक से डिस्काउंट जो है दे देता है, वहीं अगर हम बात कर ले फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट पे आपको ज़्यादा सेल्स देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू अमेज़ॉन, बट अमेज़ॉन की सेल्स की एक बात ज़रूर से होती है कि यहाँ पे जो कार्ड ऑफर्स है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी आजकल जितनी भी सेल्स आ रही हैं वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कार्ड ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वही अगर हम बात कर ले अमेज़ॉन की एक और सेल के बारे में जिसका नाम है मेगा फैशन डेज, जो कि आपको 5 से लेकर 9 अप्रैल तक चलती हुई देखने को मिलेगी, तो इस सेल में भी आपको जो है अच्छे खासे डिस्काउंट्स जो है फैशन आइटम्स पे मिलेंगे, तो जो भी लोग फैशन आइटम्स लेने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल ये थे कुछ एक सेल्स, और आने वाले टाइम में आपको और कुछ एक सेल्स देखने को मिल सकती है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो इसके लिए आप जो हमें सब्सक्राइब और लाइक और टेलीग्राम पे फॉलो ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच।